अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ग्रो करते हैं कैना लिली या केली के इस प्लांट को उसके न्यू पप से। ये कैना लिली का लीव है। सर्दियों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन गर्मी में फेब में अब इसकी शुरुआत फ्लावरिंग की हो रही है। इसकी लीव देखिए बर्न हो गई और नए नए पप्स अंदर से आ रहे हैं। ये छोटे छोटे से पप्स इसके फिर से ग्रो होना शुरू हो गए हैं। इसको मुझे रिपॉट करना है, इसके ट्यूबर्स निकालने हैं और इसको दूसरे कंटेनर में लगाना है ताकि फरवरी से जून जुलाई अगस्त तक ये अच्छी फ्लावरिंग दे सके। कंटेनर में पूरा प्लांट ख़राब हो गया था, लेकिन ये बहुत लेंदी था और इसमें बहुत फ्लावरिंग पूरे साल ही तकरीबन किया है, पर कोहरा नहीं बर्दाश्त करता इसीलिए ये ख़राब हो गया। फिर मैंने इसके ट्यूबर्स निकाल कर इसको नई मिट्टी में लगा दिया है। ट्यूबर्स बस आसानी से ज़मीन में या कंटेनर में आप लगा दीजिए। देखिए दो चार ही दिन हुए हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे से प्लांट ग्रो करने लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ट्यूबर से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। होता तो ये सीड से भी है, पर वो बहुत टाइम लेता है। पर ट्यूबर इसके आप सेव करके रखिए और फेब में आप इसको ग्रो कीजिए, आपके प्लांट्स आसानी से तैयार हो जाएंगे। कैना लिली के प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मल मिट्टी में भी लगाएंगे और बड़ी से बड़ी क्यारी में लगाएंगे, पूरा भर के फ्लावरिंग देंगे। इसके शेड्स भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर और शेडिंग वाले फ्लावर्स इसमें आते हैं, जिससे हमारे गार्डन की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। ये एलोवेरा का स्टॉक फ्लावरिंग कर रहा है और इस कैना लिली में भी फ्लावर आ रहे हैं। ये दो लीव्स फ़िलहाल मैंने छोड़े हैं, इसको भी कट कर देंगे। इस तरह की कटिंग से ये लगता तो नहीं है, अगर इसमें रूट्स होती तो ये ज़रूर लग जाता, लेकिन जहाँ से मैंने ये प्लांट लेने की कोशिश की, रेड कलर का अच्छा सा प्लांट था ये, वहाँ पर ये इसी तरह से टूट पाया, ऊपर से ही टूट गया, उसकी रूट नहीं आई, बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया है। ग्रो करना होगा तो कर जाएगा और नहीं तो कुछ दिन ये यूं ही ग्रीन रहेगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन लीव्स इसकी, प्यारी प्यारी सी, चौड़ी चौड़ी सी, लगा रहने देते हैं ऐसे ही। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।